गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अफलातून चैनल। क्योंकि आज हमारे घर पे वापस घर फैला हुआ है, आज हो सकता है इसका बेड रेडी हो जाए। देखो, खातियों के साथ में, कारपेंटरों के साथ में खुद नीरज को लगना पड़ रहा है, बोले मेरा रूम रेडी करके नहीं दे रहे। और वेद, आज किसका बर्थडे है? छोटू का। इसने सुबह सुबह प्रियांशु को विश कर दिया है जिसका बर्थडे है आज। और फिर से हमारा घर फैला हुआ है। आज हमारे छोटे भाई गुंटू का भी बर्थडे है, खुशबू के छोटे भाई प्रियांशु का बर्थडे है और मेरे छोटे भाई गुंटू का बर्थडे है। गुंटू फ्रॉम मुंबई, आमची मुंबई, वो वहीं पे ही है। और इसने भी कमरा फैला दिया। ये तेरे को दिक्कत है क्या मेरे से यार? मैं कहीं पे आराम से बैठ जाऊँ तो है? बैठ जाना। मेरा तो सेटअप भी यहाँ पे लगा हुआ है, देखो गाइस, यहाँ पे अलमारी में कहीं पे जगह ही नहीं है यार बैठने की। पिस्टल, पटाखा, वेद का पटाखा है क्या ये? डिशुम डिशुम। गाइस, आज खाने में बनी है कड़ी और ये लोग कड़ी को चढ़ा के भूल गए शायद, रसोई में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कब से चढ़ी हुई कड़ी। और ये शायद बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे पता नहीं। ये बाजरा ही पता नहीं यार, घर वाले क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पापा खुद के खाने के लिए लाए थे हल्दी, आपको पता होगा ये नॉर्मल हल्दी है, वैसे पाउडर फॉर्म में नहीं है। और अब हम चलते हैं शिव जी के पास, शिव जी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और फिर उसके बाद में अपना डे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल रिफ्रेशिंग। अपन ने उठाया जल चढ़ाने का पात्र और चल दिए शिव जी के। ये अब नीरज के बैठ गई और इसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे एक वो कुशनिंग से आ जाएगी, उससे सही हो जाएगा। मम्मी को ढोक, पापा को ढोक, वेट ढोक दे दी मम्मी पापा के तूने है दे दी, ठीक है। अभी चिपक के वहां चल जाएंगे और इनके अकॉर्डिंग फोम वोम कट जाएंगे। और यहाँ पे बेड बेड का काम चल रहा है, बेड लग रहा है और हमेशा की तरह ये छोरा अभी भी कुछ नहीं कर रहा। ये कुछ भी नहीं करता, अंकल जी काम करते रहते हैं अकेले इस उम्र में, 85 साल की उम्र में भी अकेले अंकल जी काम करते रहते हैं। और जो ये फोम वोम कट रहा है ये वहां जाके लग जाएगा उस पर बेड पे, पीछे से आने पे फिर उसका हो जाएगा गेटअप चेंज। ये हरे कलर का, इसके ऊपर भी कवर लगेगा, इसके लिए स्पेशलिस्ट टीम आती है अलग से। और वो हमारे बाबू जी घूम रहे हैं इधर से उधर, देख रहा है क्या हो रहा है घर में। बापू जी, और ध्यान से देखो इस लौंडे को, कल ये है मेन किरदार अपनी प्री वेडिंग का, कल है इसकी छोरे की प्री वेडिंग। और कल ये जाएगा वहां का ब्लॉग, कल ये शूट करेगा और मैं करूंगा कल बॉक्स क्रिकेट का, क्योंकि हमारा है बॉक्स टूर्नामेंट ऑफिस वालों का, तो सब वहीं पे। मैं आपका क्या कहना है, आपका घर इतना साफ सुथरा हो रखा है अभी इस टाइम पे, आपका बीपी वीपी अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा क्या? और मैं थोड़ा सा फैला देता था ना जब, तो मेरे को मारने के लिए भागती थी आप। अब बोलो ना, अब कैसे काम ढूंढेगा, शादी कितने दिन, आपकी कोई भतीजी नहीं आ रही क्या? इतनी सारी भतीजी है ना आपकी, 40-50 आदत सी हो गई है अभी आपकी अकेले काम करने की। मम्मा खा जाती घी, वेद का भी, और राम वेद को नहीं देती, पिट्टी भी करती है मम्मा, और राम कहाँ पे मारी, कहाँ पे मारी बताना, यहाँ पे मारी थी। यहाँ पे कोरियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, ये बंदा रोज प्रैक्टिस करता है। फिर अब काना को लेके जाऊंगा कार्ड वार्ड फाइनल करने, इसके चेहरे पे जो एक ग्लो है ये पतंगों की वजह से है। और उसके बाद में हम फिर वहां से एक जैकेट लेने जाएंगे आयुष के लिए, वो क्रिकेट में जैकेट भूल गया था तो वो लेके आएंगे। और उसके अलावा फिर कल हमारा मैच है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है फुल ऑन, और कल जीतना है, कोशिश करेंगे जीते। मेरे को पता है खुशबू पीछे से बद्दुआएं देगी, बहुत सारा बोलेगी कि नहीं वो ये हार जाए, अरे कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दे। ये मान रहा नहीं है। हाँ तू भी तो नहीं मान रही, हवन तो तू कर ले वेद,
मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ना मेरे पूरे बेडरूम में ना एक साइड वॉल पे लगवा दूँ ऐसे करके, जिससे मैं क्या पूरे टाइम ऐसे सपोर्ट लेके पड़ा रहूंगा, फिर आराम से कहीं पे भी लेट सकता हूँ फिर मैं, है ना। ये सही चीज है ना गाइस, कमेंट करके बताना। विक्की भाई तेरे लिए भी रूम तैयार करवा दूँ क्या ऐसा? विक्की मेरा भाई है, उसका भी ब्याह है अगले साल, उसके लिए भी सोच रहा हूँ तैयार हो यार करा दूँ, ऐसा ही कुछ करवा लियो विक्की तेरे लिए भी। यार ये कांच वाच तो सही है यार, है ना। आज कार्ड वार्ड देने चलेंगे तो ड्रेस व्रेस चेंज कर लेते हैं अभी मीटिंग के बाद में, और फिर चलते हैं। इसके पीछे तिजोरी, ओ भाई क्या ही सामान रख रखा है, कितना महंगा सामान है। चलो गाइस अब ये कुशनिंग लग रही है बेड के पीछे, मैचिंग तो कर रही है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी यार काम चल जाएगा। ऐसे जा रहा है प्री वेडिंग के लिए नया लुक लेने, दाढ़ी को यहाँ से आधी पूरी क्लीन कराएगा, आधी ऐसे ऐसे रखवाएगा, क्योंकि इसका अर्धनारी वाला लुक है, तो ये इस साइड से तो ऐसे आदमी बनेगा, इस साइड से औरत वाला करवाएगा, और फिर कटिंग कराएगा। क्या बोल रहे थे आप पहले बताओ? नहीं कुछ नहीं बोल रहे, सॉरी। अरे क्या बोल रहे थे आप? हैं क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे जो याद रहेगा। क्या याद रहेगा? अच्छा हाँ हाँ, पहले जानती तो दीपावली से काम चालू कर देती। अच्छा बोलना चाहती हूँ बस, थैंक यू भैया। ऐसे नहीं कि एक में सारे सारे काम हो गए और दो में तो कुछ कुछ काम हुआ था, एक में सारा ही काम करा दिया। अरे सर बचा के, नहीं टूटेगा अंबुजा सीमेंट से बनाए क्या? तो जय भाई, एसी आ गया नीरज का फाइनली, रूम का एसी ले निकालिए। लो भाई साइन कर देते हैं, कहाँ पे करना है? नाम फोन नंबर, नाम है अक्षय। एसी फाइनली इज इन द हाउस बेबी। यार नीरज का आया 30,000 का सामान, हालांकि लोग बाग झूठ बोल देते हैं कई बार, लेकिन अपन नहीं बोलते। और ये लग चुका है नीरज के पीछे सपोर्ट के लिए भी। चलो बढ़िया यार, कुछ काम होता रहना चाहिए घर में, कुछ नया नया ऐसा लगता है। मम्मी देखो मेरे लिए क्या लेकर आई है। क्या है ये मम्मी? सूप है। कौन सा सूप है, क्या क्या है इसमें? गाजर और घिया टमाटर तो पकड़। और इसमें गोभी करेला और ये सब नहीं है? नहीं, नहीं फिर वो और ज्यादा थोड़ा बेकार हो जाता ना उससे। पागल है क्या? अच्छी चीजें ऐसे सर्दियों में पी ले। विक्की तो नहीं पीता ये सब चीजें, मामी जी तो उसको पता नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा खिलाती है। पिया तो पी ले। उधर उधर मोरों के पास में रख दो यार, मेरा हाथ हाथ में पट्टी बांध रही ना ये। मोर कैसे रखा? देखो कैसे चुप रही थी। हाँ तीन मोर है, हम तीनों भाई है, इसमें क्या ऊपर ऊपर नीरज है जो हम दोनों के ऊपर नाच रहा है, और मैं नीचे ही नीचे वाला हूँ जिसपे दोनों भाइयों का बोझ है। अपने पास में कल के लिए बैट आ चुका है, ये वाला बैट है जिससे अपन कल मैच खेलेंगे, इसको बोलते हैं फंटी, लोकल टेनिस बैट, टेनिस टूर्नामेंट में खेलते हैं इससे, फंटी से, इससे कल खेलेंगे शानदार, ऐसे जमा जमा के देंगे और अपनी टीम को खिलाएंगे इससे बढ़िया, जिससे अपन जीत जाए टूर्नामेंट। कल मत आ जाए यार, आज 7:30 तो बज गए यार, वहाँ पे तो जा ही नहीं पाए हम कार्ड वाले के, रह गया यार मीटिंग की वजह से, बहुत सारा काम था आज ऑफिस का। अब उसके बाद में कल सुबह निकल जाएंगे अपन यहाँ से 9:30 के राउंड, क्योंकि 10:30 पहुंचना है अपन को, और कैप्टन है तो फिर थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या हो गया वेद, क्या हो गया? किसको खोलो? क्या नहीं खुल रहा वेद से? खोलो खोलो, नहीं खुल रहा, हटाओ इसको ऐसे करके हटा दो। दब गया, अरे दब गया, छोटा बेबी दब गया। गाइस देखो मम्मी और बहू, मम्मी की बहू दोनों लग रही है रसोई में, आज पता नहीं कुछ स्पेशल बना रहे हैं, 36 तरीके तो चीजें बना दी यहाँ पे, चाट मसाला क्या क्या, ये क्या मम्मी आलू है, क्या बना रही है पकोड़े, ओ भाई साहब ये क्या है, पकोड़े का सूप, अरे वाह यार। और ये क्या बना रही है, ग्रेवी चटनी। तो बना क्या रही हो आप, पकौड़ियाँ? तो मैं तो पकौड़ी खाता ही नहीं हूँ। अच्छा चीले बना रहे, वाह
अपना फेवरेट बन रहा है वेद, फेवरेट खाना बन रहा है। तो मम्मी फिर आज कौन से भतीजी भतीजे का नंबर है, आज किसके बारे में कहना चाहती हो आप? आज चलो खुशबू दीदी के बारे में कह दो। दिलीप जी जी खुशबू दीदी शादी में जल्दी आने की तैयारी करो, दो तारीख का टीका। लेकिन उनके तो कान का ऑपरेशन हो रखा है, उनको तो कुछ सुनाई भी नहीं देता है। सब सुनने लगे कान का ऑपरेशन। उनको इशारा करके बोलो कि ये कैसे आना है। आज क्रिकेट खेलने आए थे बच्चों ने मार दी अंदर बॉल वहाँ पे झाड़ियों में। अरे बॉल लेने आने में डर रहे हैं, बोल रहे सांप है वहाँ पे। अरे भूतिया करे, तू काना तू लेके आ जा। नहीं भूतिया करे, भूतिया करे इस घर में तू 5 साल रहा है। हाँ 6 साल में वो तेरा ही भूता, जल्दी से आ जा। तो गाइस ऐसे मतलब हॉन्टेड लग रहा है ना थोड़ा। तेरी जैकेट देख, जैकेट फंसेगी। हाँ तो मतलब सही था यार शॉर्ट, तो सही था बस थोड़ी सी मतलब लॉन्ग ऑन की तरफ आ गई, स्ट्रेट और होती तो हो जाता काम। प्लेयर देखो कहाँ कहाँ से बॉल लेके आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से कोने में जाना पड़ रहा है उनको। वो देखो सामने से एक बंदा भागता हुआ आ रहा है, वो बॉल लेके ही आ रहा है हमारा हमारा प्लेयर है वो। और दूसरा जना अभी वहाँ पे सामने वाले गेट पे गया था बॉल लेने के लिए। ये क्रिकेट खेल रहे मजाक कर रहे पता नहीं। अरे ओए ये कौन आ गया, वेद अंदर चल। गाइस अब हम जा रहे हैं गाय का खाना लेके, गाय के लिए रोटी बाजरा वाजरा सब कुछ लेके, और हम निकल पड़े हैं अपने सफर पे। अजिंक्या आ जा यार, गाय दिखाते हैं आपको गाय कैसे कवर्ड है। यहाँ पे तिरपाल विरपाल लगा रखा है और इसके अंदर हमारे पास में है 2 गाय, एक श्यामा और एक भूरी, जिसमें श्यामा तो बहुत भोली है और ये जो भूरी वाली है ये बहुत तेज मारती है। इसके पास में भी चल जाता है ना कोई आदमी तो ऐसे सींग से मारती है लहरा लहरा के। खिलाएंगे, सर्दी हो रही है बहुत तेज इसलिए अपने अपने लोगों का परिवार वालों का ध्यान रखो। ये हमारे परिवार की 2 सदस्य हैं तो इनको क्या है अच्छे से खाना वाना खिला के और फिर सुलाते हैं। और हम चलते हैं घर में, घर में चल के करते हैं ब्लॉग को एंड और फिर उसके बाद में करते हैं।